गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो पाठ्यक्रम आगे की ओर चल रहा है उसे भी हम लोग निरंतर कंटिन्यू आगे को बढ़ाते चलेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप के विद्यालय की डायरी के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पीटी जो भी है, जो शेड्यूल आप लोगों तक पहुंचाया गया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी पीटी का सिलेबस आप लोगों को दिया गया उसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी पीटी के लिए करते रहें। पिछली यूनिट टेस्ट जिस टाइप से आप लोगों का हुआ उसी बेस पर, उसी टाइप्स पर आप लोगों का पीटी एग्ज़ाम भी होंगे, पाठ्यक्रम भी आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास अगर कोई समस्या होती है पाठ्यक्रम में निर्धारित सिलेबस अगर ना मिल पाया हो तो वो स्टूडेंट्स मैसेज के द्वारा या कांटेक्ट के द्वारा अपनी समस्या को समाधान कर लेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों की क्लासेस में हम लोगों ने व्याकरण का चैप्टर पढ़ा और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सीखा भी। आज उसी व्याकरण पार्ट में निर्धारित वाक्य पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो और आपके कोर्स में वाक्य भेद रखा गया है जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाक्यों के भेद पर चर्चा करने से पहले हम एक बार वाक्य पर चर्चा कर लें कि वाक्य है क्या, जिसे आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं वही आपका हिंदी में वाक्य कहलाता है। और अमूनन स्टूडेंट्स सिर्फ ये कह करके निकल लेते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस, या कहें कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के समूह को वाक्य कह देना ही ये व्याकरण की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्दों के समूह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह व्याकरण के क्षेत्र में सही माना जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो वाक्य की जो परिभाषा बनती है कि शब्दों के ऐसे समूह को व्याकरणिक तरीके से इस प्रकार से शब्दों का समूह बनाया जाए जिससे उस समूह का कोई अर्थ निकले, उसी को हम वाक्य कहेंगे। ये बात तो ठीक है कि शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं, बट वह समूह जो हो वो व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के मापदंड पर निर्धारित हो और व्याकरणिक तरीके से वह एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक ढंग से उस ग्रुप को रखा जाए, उन शब्दों को सीक्वेंस में रखा जाए, और जब सीक्वेंस में रखने के पश्चात जब उसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है
तब उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मान लिया राम है, घर, जाता। आप इस शब्द के समूह देखिए, आपका एक निश्चित अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा है, परंतु इसी को जब हम राम घर जाता है इस प्रकार से जब हम लोग लिख लेते हैं, तब इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। अर्थात व्याकरण की जो नियम बनाए गए सेंटेंस बनाने के, उस प्रक्रिया के आधार पर जब कोई शब्दों के समूह को हम रखते हैं, तो उस शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले। अब जब हम वाक्य को समझ लिए कि वाक्य है क्या, तो दूसरा प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि वाक्य के जो अंग हैं, अर्थात पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो कितने पार्ट्स में कितने अंग होते हैं, मिल करके सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, तो आता है दो प्रकार के। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय, जिसे आप लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। तो संपूर्ण वाक्य हमारा उद्देश्य और विधेय इन दो नामों से डिवाइड होते हैं, या दो प्रकार के अंग होते हैं। कह सकते हैं कि वाक्य के दो प्रकार के अंग होते हैं, पहला आपका उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब जब हम वाक्य के अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब हमको फिर प्रश्न मन में उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि वाक्य में उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं उद्देश्य, जिसे आप लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, अर्थात क्रिया को करने वाला जो है, या कह सकते हैं कि जो भी आपका वाक्य है, उस वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में जो कहा जाता है उसे, जिसके विषय में कहा जाता है वही आपका उद्देश्य होगा, वही आपका कर्ता होगा। और विधेय, और विधेय का तात्पर्य हुआ है कि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, अर्थात जिसके विषय में बात कही जा रही है, वह आपका उद्देश्य हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। और जिसके विषय में बात कही गई है, उसके विषय में जो कुछ भी बाकी बचता है, कहा जाता है, वही हमारा विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण आप लोगों की स्क्रीन पर देख लीजिए, आप लोगों के किताबों में भी होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी हैं। अब आप देखिए कि झांसी की इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी हैं, ये जो सेंटेंस, ये जो वक्तव्य कहा जा रहा है, वह किसके विषय में कहा जा रहा है? रानी लक्ष्मीबाई, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई आपका उद्देश्य होगा, अर्थात जो रानी लक्ष्मीबाई हैं यह कर्ता भी कहलाएगा और आपका उद्देश्य भी कहलाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई उद्देश्य हुआ, और बाकी फिर जो कुछ भी कहा जा रहा है कि
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी हैं, हैं? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाती है वह उद्देश्य होगा, और फिर उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बातें कही जाती है वह सब प्रेडिकेट अर्थात उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब आप और भी गहराई से व्याकरण के क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोगों को उद्देश्य के भी कई पार्ट्स मिलेंगे, प्रेडिकेट्स के भी कई पार्ट मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना पढ़ करके, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल वाक्य भेद है, बाकी चीज़ें आप लोग अपनी पुस्तक से पढ़ते रहिएगा। जहाँ कोई नहीं बात समझ में आती वहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोगों ने वाक्य जान लिया और वाक्य का क्या अंग होते हैं और किस प्रकार से अंग के भेद, उन पर चर्चा करने के पश्चात हमारा जो मूल पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है वह है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थात अर्थ की दृष्टि से, अर्थात इसका मतलब यह भी है कि वाक्यों के जो भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं वह कोई और भी अन्य प्रकार के होते होंगे। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाक्य के जो भेद किए गए हैं वह वाक्य के भेद एक तो रचना के आधार पर होता है और दूसरा अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के जो भेद निर्धारण की जो पद्धति है, आधार है, वह दो प्रकार की है। नंबर वन, रचना के आधार पर, अर्थात रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना और अर्थ इन दोनों बेस पर, इन दो आधारों के अनुसार हम वाक्य का विभाजन करते हैं। रचना के आधार पर आप लोगों के तीन सेंटेंस, तीन वाक्य बताए गए। नंबर वन है सरल वाक्य, नंबर दो संयुक्त वाक्य, और नंबर थ्री मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद फिर लगभग आठ संख्या गिनाई गई हैं, तो हम लोगों को पढ़ना दोनों डिवाइडेशन, दोनों भेदों को पढ़ना है, बट अर्थ की दृष्टि से हम लोग नाइन्थ में पढ़ेंगे और उसके बाद रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होता है उसे हम लोग टेंथ में पढ़ेंगे। तो जो भी हम लोगों ने अर्थ के अनुसार और रचना के आधार पर वाक्य भेद किया, इससे यह पता चला कि वाक्य के दो आधार हैं विभाजन के, उनके भेद को बांटने के, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो आइए ध्यान देते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद मूल रूप से आठ माने गए हैं और वे आठ संख्या आप लोगों के हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक जिसे आप लोग अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो इन्हीं तीनों, इन्हीं अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, इन्हीं के आधार पर हम लोग अपने वाक्य पर चर्चा करेंगे।
तो आज हम लोग एक सरल तरीके से हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर पूर्ण रूपेण से जानकारी अगली क्लास में करेंगे। विधानवाचक वाक्य में अर्थात विधान जो होता है एकदम सिंपल सा वाक्य होता है, साधारण होता है, जैसे वह बीमार है, रमेश व्यायाम कर रहा है, इत्यादि इत्यादि करके जो भी आप लोगों के वाक्य हैं वो आपके विधानवाचक। निषेधात्मक या निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जब आपके किसी वाक्य में क्रिया को ना करने का या किसी बात को ना होने का संकेत दे, वहाँ पर आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आशीर्वाद शुभकामना आदि का बोध हो वह इच्छावाचक होता है। प्रश्नवाचक में जब किसी काव्य में या सॉरी जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें आप लोगों का प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में आपको आदेश और विनय का बोध कराता है। संकेतवाचक में कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त का बोध कराते हैं, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, अर्थात दूसरी जो क्रिया होगी वह पहली क्रिया पर डिपेंड होगी, जब तक पहली क्रिया नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया नहीं होगी, ऐसे संकेतवाचक होते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिससे शोक हर्ष आदि का भाव प्रकट होता हो, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। इसके बाद संदेहवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में काम के होने में संदेह प्रकट किया जाए, जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज रामू विद्यालय जाए, तो इस प्रकार के जो वाक्य आपके होते हैं वो आपके संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने वाक्य को जाना, वाक्य के अंगों को जाना, वाक्य के भेद के आधार को जाना कि कितने आधार हैं, दो आधार हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। इसके बाद हमने अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उनके 8 भेद बताए गए, जिसमें से आप लोगों को नंबर 1 विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो इन 8 प्रकार के भेदों की चर्चा की गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम इन्हीं 8 प्रकार के जो भी वाक्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। उन पर जो भी चर्चा है डीपली गहराई से हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे और समझेंगे, और उम्मीद भी यही आप लोगों से रखता हूँ कि आप लोग भी इस अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को आप समझ पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स जिनके पास व्याकरण की पुस्तक है वो एक बार इस टॉपिक्स को अपने घर में रिवीजन कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसका वाचन कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं अवेलेबल हैं भी वह भी अपनी पुस्तकों को जल्द से जल्द ले लें ताकि आपके अध्ययन कार्य में कोई भी बाधा ना आए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।